कौन है ये? हुज़ैफ़ा इब्न यमान। राजदारे मुस्तफा हैं ये, नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजों के अमीन हैं हजरत हुज़ैफ़ा इब्न यमान। कहते हैं कि सहाबा ने जो अमल न किया, नबी के साथियों ने जो अमल न किया, जो इबादत न करी, ऐ लोगों वो इबादत तुम न करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं है। वो सब करके गए तो वही करो जो उन्होंने किया है, न उससे कम करो न उससे ज्यादा करो। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सोने पे सुहागा बादल, अंबिया के बाद सबसे अफजल तरीन इस उम्मत में और रूए जमीन पर सबसे अजीम हस्ती अगर किसी की है तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। वो फरमाते हैं कि मैं किसी अमल को कैसे तर्क कर सकता हूं जिस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल पैरा थे, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे तो डर है कि अगर मैंने आपकी सुन्नत में से किसी चीज को छोड़ दिया तो कहीं गुमराह ना हो जाऊं। तो सुन्नत पर अमल करने का मतलब क्या है? सुन्नत पर अमल करने का मतलब यही है कि जो नबी ने किया है वो करो और जो नहीं किया है उसे ना करो। ये भी सुन्नत है, करना भी सुन्नत है और ना करना भी। जो किया है वो करो वो सुन्नत है, जो नहीं किया है वो ना करो ये भी सुन्नत है। अज़ीज़ाने किराबी, अब सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाकीज़ा साफ और सुथरी सुन्नतें हैं, इन्हें छोड़कर कोई शख्स अगर खुल्लम खुल्ला बिदात को अपनाता है और दावा करता है और खुद कहता है कि मैं अहले सुन्नत हूं, मैं अहले सुन्नत हूं, तो ये कितनी बड़ी हिमाकत की बात है और ताज्जुब की बात है। नबी की सुन्नत को छोड़ रहा है, नबी के तरीकों को छोड़ रहा है और अपने आप को TTS का दावा कर रहा है, अहले सुन्नत वल जमात। भाई अहले बिदात वल जमात को हो, अहले बिदात हो, बिदात हो, बिदती हो, क्योंकि नबी करीम अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में अलामत और मेयार करार दिया, फरमा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ मेरे नबी, आप मेरे बंदों से कह दो कि ऐ लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, किससे मोहब्बत करते हो? अगर होश जरा अब मेरी तवज्जो से सुनो, आप यह कीमती खुतबा है और सारे खुतबे कीमती होते हैं, इसलिए तवज्जो से सुनो, ये इल्म है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी आप ये कह दीजिए मेरे बंदों से कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिउनी, तो मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तबा करो। तबा, तबा ऊंटनी के या जानवर के उस बच्चे को कहते हैं जो अभी अभी पैदा होता है, पैदा हुआ छोटा है, पैदा, और पैदा होने के बाद जब मां आगे बढ़ती है तो वो छोटा सा बच्चा किस तरह अपने मां के पीछे चलता है। आप कभी गौर से देखें, आजकल फोटोज भी हैं इसके, चलते हैं मुर्गी जहां जाती है छोटे छोटे बच्चे उसके पीछे पीछे किस तरह चलते हैं, चुट 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 कर। बकरियां जहां जाती है उसके बच्चे किस तरह लगे, ऊंटनी जहां जाती है, गरज हर एक, इवन इंसान का बच्चा भी हो तो अपनी मां के पास दौड़ करके जाता है, पीछे पीछे चलता है। आप अपने बे बच्चों को लेकर जब चलते हो, बास बच्चे ऐसे होते हैं कि अब बाप आगे आगे चल रहा है तो उसके पैर पे ऐसे पैर रखते हैं, फिर ऐसे पैर रखते हैं, फिर ऐसे पैर रखते हैं, बाप के पैरों पे पैर रख करके। ये तबा, यही तबीया उसी बच्चे को कहते हैं जो पैरों पे पैर रख करके अपने पीछे पीछे चले। ये है इत्तबा। इसी से क्या है, सोचो आप कितना गहरा माना है ये और कितना खतरनाक माना है। और आज इस इत्तबा को छोड़कर लोग इब्तिदा बिदअतों की तरफ जा रहे हैं, दाएं बाएं दाएं।